जी क्या हो रहा है? मुंह धो रही हो हैं? ऐसे मुंह धुलता है? कितनी बुरी बात है, साबुन नहीं लगाते साबुन आंखों में चला जाएगा। जी नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? अगर आंखों में चला गया तो फिर क्या होगा? फिर रोगी ना। अब नहीं रोती? आगे गोरी कम हो हैं? आ छोड़ दो इसको, छोड़ दो आप, चिट्ठी होगी, आप चिट्ठी हो लो जी। अस्सलाम वालेकुम जी बहन भाइयों, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह से हम ठीक है, उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे फूलों की तरह। और मेरी बेगम चाड़ू चाह के टूर पे है। प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह से हम सब ठीक हैं। आप सबकी दुआओं से अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, हंसते रहे मुस्कुराते रहे। और जो भी औलाद है अल्लाह जी उनको नेक औलाद दे, और जो बेरोजगार है अल्लाह जी उनको अच्छा से रोजगार दे। और जो न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर अच्छे से कमेंट कर दे। और प्यारे व्यूवर्स मेरा दुपट्टा, प्यारे व्यूवर्स ये कमेंट आया था शीट का, शीट का ये शीट को आग नहीं लगती, ये मैंने पिंडे में भी इस्तेमाल की थी अल्हम्दुलिल्लाह से कभी कुछ नहीं हुआ। ये भाई एक होता ना वाटर प्रूफ, ये आग प्रूफ है। जी जी बिल्कुल, ये आग प्रूफ है। और क्या कमेंट आया था? और एक और ये कमेंट आया था कि आप आयत से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ज़ारा वगैरह से किसी से नहीं करते, हम सबसे प्यार करते हैं। आयत से इसलिए बातें करते हैं, आयत ना मज़े मज़े की छोटी छोटी सी बातें करती है, वो भी सारे बातें करते हैं, लेकिन आयत से ना बातें सबको पसंद है। व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि आयत की जो है ना ज़्यादा वीडियो बनाया करें और उसकी बातें ज़्यादा लेके आया करें, इसलिए हम आयत से ज़्यादा बातें करते हैं, उससे शुगर मिला थोड़ा करते हैं। बिल्कुल ये ज़रूर होता है, एक औलाद ज़्यादा प्यारी होती है बहुत ज़्यादा, मगर हमारे लिए सारी औलादें बराबर हैं। हालांकि मेरा बेटा एक है, बेटियाँ चार हैं, हम बराबर प्यार करते हैं सबसे। मगर ये जो चूनियाँ ना चूनियाँ, इतना ज़बरदस्त हमारा मौजू छिड़ा हुआ था, टॉपिक छिड़ा हुआ था, और इन्होंने रोना शुरू कर दिया। इस पूरे मुंह पे साबुन लगाया, इसकी आंखों में जा रहा था, तो फिर अभी इसके कपड़े, अभी स्कूल से ही आधा घंटा घंटा भी नहीं हुआ, न्यू कपड़े निकाल के लाई है दोबारा, फिर कपड़े चेंज, उस टाइम चेंज किया फिर चेंज किया, कह रही है मुझे सर्दी लग रही है मैं पंखा लगा लूं। अब बाबा को बताओ शर्दी लग रही है, रजाई ना रख दिया फ्रिज में बैठ जाओ, दंड थोड़ी मार का। अच्छा छोड़ो छोड़ो, ठहरो, फ्रिज में बैठा दो, अगर आपको सर्दी लग रही है तो पंखे की क्या जरूरत है, फ्रिज में बैठो आप, वहाँ पे जो है ना। नहीं मेरी बेटी को सर्दी लग रही है, इसको ना चंदा मामू के ऊपर बिठाओ। हैं? नहीं चलें जी, आप इससे ज्यादा क्यों प्यार करती हैं जी, आप इसका जवाब दें। इसके साथ इसलिए प्यार करती हूँ प्यारे बहन भाइयों, ये जब हुई ना प्राइवेट हॉस्पिटल में मेरा ऑपरेशन हुआ था, मेरे सामने बेड पे जो थी उनकी बेटी बाद में हुई थी, पहले मेरा हुआ था ऑपरेशन। कल जाओगी? अच्छा कल जाऊंगी, ठीक है। उनके गड्डी आंसू है, गड्डी नहीं है तो और क्या है वे गाड़ी लेने। तो अस्पताल में ना बेड आमने सामने था, मेरा ऑपरेशन पहले हुआ था उनका बाद में। जब ये पैदा हुई ना तो इसको डॉक्टरों ने इतना मारा बहुत ज़्यादा, ये फिर भी नहीं रोई, बहुत प्यारी थी, जिंदगी में नहीं वो भूलते हम लोग, चिट्टी सफ़ेद और बहुत प्यारी थी। डॉक्टर ने इसको पाँव में डंडियाँ मारी, पीछे थप्पड़ मारे। वो ये भी सिस्टर कह रही थी ये वाइट है इसलिए आपसे ज्यादा प्यार करते हैं, वाइट काले की बात। मेरे सारे बच्चे वाइट है अल्हम्दुलिल्लाह, सारे बच्चे प्यारे। यहाँ पे आन के इसका रंग बहुत ज्यादा खराब हो गया है। जी जी बस मेरे देखे माँ बाप के लिए बच्चे गोरे चिट्टे सारे। जी जी बीच में एक बच्चा जरूर होता है जिससे ज्यादा प्यार होता है। हाँ जी जी बिल्कुल ये होता है, मगर माँ बाप के लिए औलाद बराबर। आयत और मुमताजों ने बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, वीडियो में फिर रोकनी पड़ी, जैसे रोना शुरू कर दिया था, तो अब दोबारा से हम वहाँ से शुरू करते हैं। वो किस लिए प्यार करते हैं, अस्पताल में उनकी बेटी हुई थी, ये माशाल्लाह सबसे प्यारी थी। चलें जी ये शुरू हो जाए मैडम जी। उनकी बेटी हुई थी, पहले बेटा था, तो ये जब पैदा हुई डॉक्टरों ने इसको मारा, बड़ा कुछ किया, ये नहीं रोई ना,
यू करे उधर ही चुप कर जाए। फिर इसको ना डॉक्टरों ने कहा इसको बड़े हॉस्पिटल में, इधर रावलपिंडी सेंट्रल हॉस्पिटल है, बेनजीर हॉस्पिटल, उसमें इसको ना ले जाए, जो बच्चों की नर्सरी होती है उधर रखेंगे। इसको ले गए तो मैं इतनी रो, में तकलीफ इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मैं अकेली थी, मेरी बहन ने बाकी सारे बच्चे लिए, वो घर चली गई। ये जो है ना ज़ारा छोटी थी, ज़ारा को उल्टियाँ मोशन लग पड़े। अब तो रहमान अलीशा और ज़ारा को बाजी घर लेगी मेरे, वो गाँव से आई थी इतनी दूर से अस्पताल रहने के लिए, पर बच्चों की हालत नहीं थी ठीक और घर में कोई भी नहीं था रहने वाला। तो इसको ना आयत को ना ये राशिद हॉस्पिटल ले गए, इसको वो कन्नूले टीके ट्रिपे लगा के, तो भाई हॉस्पिटल में रही पूरी रात। मैं पूरी रात अकेली हॉस्पिटल में दर्द से रोती रही। तो सामने वाले अपनी छोटी से प्यार करें, मुझे और रोना आए। आज मैं अकेली, मेरी बच्ची कैसी होगी ये बताते नहीं है, पता नहीं उसका क्या हाल होगा। डॉक्टरों ने कहा जी ये नहीं बचेगी, इन्होंने मुझे नहीं बताया। जिस टाइम मैं वो सुबह हुई तो राशिद आए, तो मेरी बहन आई, बिनोई आए, तो इन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा वो नहीं ठीक, मैं रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा वो नहीं ठीक, कह रहे नहीं ठीक है। जिस टाइम हुई शाम, तो मेरे भाई के घर में बेटी लाहौर हुई, मैं रावलपिंडी थी, भाई की बेटी उधर हुई लाहौर, तो वो फोत हो गई थी। अभी गंडा जिंदा रही है, फिर फोत हो गई थी। उन्होंने फ़ोन किया, भाई ने बताया, तो बाजी ने रोना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा भाई मैं तो जाऊँगी उधर, भाभी को कौन देखेगा, तो वो चली गई बाजी लाहौर चली गई। मैंने रोना शुरू कर दिया, मैंने राशिद को कहा मुझे नहीं पता मेरी बेटी ला के दो। मैं रात सारी हॉस्पिटल में ऑपरेशन में रोती रही हूँ इतने बुरे तरीके से। तो लेके आए इसको आयत को, आयत जिस टाइम आई, मेरा ऑपरेशन हुआ हुआ दो दिन हुए थे, मैं तकलीफ में थी, फटोफट उठ के मैं बैठ गई। मैंने कहा मेरी बेटी मुझे दो, इसको मैंने इतने प्यार किया। जब वो हॉस्पिटल में उन्होंने, मैं रो रही थी ना, उन्होंने अपनी बेटी अब्दुल रहमान के सामने रखी। अच्छा आप अकेली बैठी हुई थी, मामा हॉस्पिटल में थी। अच्छा आपको पता लग गया था। अच्छा गाल उठ के आप बैठ गई। मैं उठ के बैठ गई, मेरी बेटी मुझे दो। मैंने इसको इतना प्यार किया, मेरा कोई बच्चा इतना सीरियस नहीं था, रोते नहीं है ये, जय होते हैं तो रोते नहीं है। इसको बच्चे मेरे सारे सही सोटियां पहनियां उस टाइम रोने नहीं, बाद चुप नहीं करने। उस टाइम वो ऐसा रुलाते, बाद में ये चुप ही नहीं करते, रोते रहते। तो फिर जब हॉस्पिटल में थी मैं, ये उधर थी नर्सरी में, बीच में से स्टोरी हमारी कट गई थी, बच्चे तंग करते हैं बीच में वीडियो हम रोक देते हैं। तो वो फिर किया हमने, वो जो हमारे सामने वार्ड में थी ना, उनकी बेटी हुई, तब दरमान रो रहा था, हमारी बहन किधर ले गए। मैंने कहा हॉस्पिटल में ले गए ना। आयत ये भी रो रही थी, अलीशा भी, ज़ारा भी, छोटी छोटी होती थी, 4 साल पहले की बात है। तो मैंने कहा भाई वो ले गए डॉक्टर जो उनसे ना ले गए, तो अब तो रहमान चुप ही ना करे, मेरी बहना मुझे ला के दो। जो वार्ड में थे ना सामने, उन्होंने अपनी वो बेटी दिखाई, ये ले लो ये भी आपकी बहन है। कहता नहीं, मैंने अपनी बहन देखी थी, जब डॉक्टर ने उठाई थी मेरी बहन चिट्टी सफ़ेद थी। बहुत प्यारी थी ये, सब इससे तब प्यार करते। ये हॉस्पिटल में थी, हमसे 2 दिन दूर रही थी, 2 दिन। जी जी हाँ। तो मैं अभी बाहर में जब था ना, तो उधर मसलन इसको मैंने देखना, पालना और फीडर दे के आना, तो इसका पैंपर उसको देता था, वो ऊपर क्या होती आया। है आया, उनको पैंपर मैंने देना ठीक है, और क्या नाम है उन्होंने चेंज करना। ये क्या छली, चाट मसाला लगा के छली थोड़ी बड़ी मजेदार एते, बिल्कुल नहीं हमने नहीं खानी। नहीं बेटा हम छली नहीं खाते। खाते हैं मगर आप खाओ, हम खाते रहते हैं। तो इतना मसाला क्यों लगाया, आपका मैदा खराब हो जाएगा। मजा आता है, मजा आता है। चस्के लाओ तो आंसू संभालो ना। जी जी, तो इसलिए हम जो ना आयत से माशाल्लाह
जिन्हें क्या प्यार करते हैं वो भी हमारी बच्ची हैं, उनसे भी हम प्यार करते हैं, ये नहीं कि नहीं नहीं, नहीं, नहीं हमारे बच्चे हमारे लिए सारे बराबर हैं। हाँ, जो आपको इस तरह लगता है तो माजरत, बच्चे आप देखना हम सबसे बहुत प्यार करते हैं, वो बेचारों को तो टाइम ही नहीं होता घर में रहे, आपको आएंगे 6 बजे सुबह जाते हैं 8 बजे रात को 6 बजे आते हैं। हाँ जी, एक और कमेंट था कि वो कह रही थी सिस्टर एक कि जब आप ढोलकी पे जाते हैं बच्चे किधर छोड़ के जाते हैं, साथ लेके जी जी बच्चे साथ लेके जाते हैं, साथ होते हैं, आप वीडियो में देखे बच्चे वीडियो में देखते हैं बच्चे बाहर भी खेल रहे होते हैं, ये भी सोई होती है, ये भी सोई होती है, और दो बड़ी जो है ना अपने बाहर सहेलियों के साथ खेल रही होती है, कभी कभार अंदर भी आ जाती है। वालेकुम अस्सलाम राशिद भाई, प्यारे भाई क्या हाल है, आप ठीक ठाक हैं? आप सुनाए, ठीक है, तबीयत से ठीक है, शुक्र आजाद बा का, माशाल्लाह। राधिका जी हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह राधिका जी, आप सुनाए। मैंने कहा चक्कर लगाऊं यार, यहाँ का माहौल चेक करूं बाहर का। बहुत शुक्रिया। सलाम भाभी, क्या हाल है, ठीक है? आ जाए आ जाए। मैंने कहा कि माहौल देख लें, जब हम जो है फंक्शन के लिए इधर अगर चल के इधर आ जाए तो इससे माहौल बन सकता है या नहीं बन सकता? बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता? तो मेरे तो सहन नहीं है, तो इधर भी बेहतरीन सेटअप बन जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त बन जाएगा। जी जी, आयत नहीं तोड़ो बेटा, बैठे आए भाई बैठे, लोग कहते हैं आप जो घर में आते हैं उनको कहते नहीं बैठे, हम सब यूट्यूबर है वो बैठते नहीं है, क्योंकि हम बैठ गए तो वीडियो हमने क्या बनानी है, यूट्यूबर नहीं बैठते। यही बात है, बताएं जी, आप खुद बताएं जरा, क्या बताएं? यानी कि जब हमारा कैमरा ऑन होता है आपका, मेरा या किसी का, हमने पूरे घर का विजिट करना है, घूम फिर के वीडियो बनानी है, जब उस तरह हम बैठते हैं मसलन जब एक खास काम बंदा आता है, खास काम जी जी आता है, उनसे जाके कुछ डिस्कस करनी है, मशवरा करना है, ठीक है, वो होता है फिर आप बैठ के बैठ के होता है। बिल्कुल, बगैर कैमरे के जब आते ही व्लॉगर है ये चीज़ दिखाने के लिए वो चीज़ दिखाने के लिए टूर करते हैं इसका सारा, तो कहाँ से बैठे आप, उनसे बैठे कैसे? आप मुझे भी कह रही है बैठ जाओ, मैंने नहीं बैठना है, आप कह रही है अल्लाह के आगे से बंदा बोले ना बैठना नहीं है। बिल्कुल, तीन भाई को बोला बैठे और अंदर हम बैठे भी रहे हैं, अंदर हम बैठे भी रहे हैं जी जी। ये ना ये बारीक चीजें जो होती है ना, मतलब में हमारे प्यारे देखने वाले बहन भाई जो है ना वो एक मुअज्जब मुआशरे से ना मुआशरे ताल्लुक रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, वो तरीका कार ये बताते हैं जो के उनके माइंड में होता है कि कोई बंदा आपके पास आता है आप उनको बैठने के लिए नहीं कहते, पानी पीने के लिए नहीं कहते, ये नहीं करते वो नहीं करते, ठीक है। बाकी जो है यहाँ पे यूट्यूबर है, यहाँ पे यूट्यूबर ही ज्यादा आते हैं। बिल्कुल, मैं आ गया, कभी मजेदार आ गया, कभी मोहिउद्दीन आ गया, सब भाइयों में से बिल्कुल यही बात, यही होता है। बाकी जो मेहमान आते हैं वो माशाल्लाह से बिठाते भी हैं, खिदमत भी करते हैं, हर चीज़ होती है, तो बड़ी चीज़ है, वो भी अपनी जगह पर जो है ना तरीके सही बनती है उनकी, लेकिन हमने आज बता दिया, जवाब ही दे दिया, सही बात। हाँ जी, मुखलिस भाई ने आज जवाब दे दिया जी, ज़बरदस्त जवाब है जी जी। बिल्कुल, लें जी लें हम कुर्सी, ठीक है, मुखलिस भाई को बिठाने के लिए। मुखलिस भाई आप बैठें ज़रा, एक मिनट बैठें, आपसे कोई थोड़ा सा सलाम मशवरा भी करना है, बैठें ज़रा, आपसे एक बात भी पूछनी है ऑन द कैमरा, ठीक है जी। गाड़ी आ गई है, आ गई थी बीच में गाड़ी, हमने दी थी वीडियो रोक। अब बात ये है कि मसलन पहले नहीं आ रहे थे अहमद भाई, सबा सबा भाभी भी आ गई हैं, समझे कि अहमद भाई भी आ गए, मोहिउद्दीन भाई उनके तो बाजू का मसला था वो इसलिए नहीं है, ठीक है जी। अब एक बंदा रह गया सिर्फ अफजल भाई, वो क्यों नहीं आ रहे, क्या वजह है? ढोलकी पे, ढोलकी पे अफजल भाई, उनकी फैमिली नहीं आ रही, वजह क्या? कह रहे हैं कि अब तो सब माशाल्लाह से आ गए हैं, काम सारा जो है सीधा हो चुका है जी जी। आप कह रहे हैं कि मौलवी अफजल जो है ना अब वो क्यों रह गया है, क्या वजूहत है, क्या मसला है, क्यों नहीं आ रहा? जी जी, ठीक है, बिल्कुल। तो उसका जो है ना मसला ये है कि उसकी और उसके दामाद की मतलब अहमद की जी जी अभी तक नहीं बन रही है। अच्छा, ठीक है, ठीक ठीक। तो उसने अफजल भाई ने ये भी कह दिया, इतना तब भी उसने कहा था कि हम शादी में नहीं आ रहे, ठीक है, किसकी वजह से? अहमद की वजह से हम नहीं आ रहे। अच्छा भाई, क्यों अहमद की वजह से आप नहीं आ रहे? मेरे साथ आपका ताल्लुक है ना? हाँ, मैं आपने आपको बुला के गया हूँ, बार बार बुला के गया हूँ,
भाई वो आए या ना आए, मुझे तो यही तक अहमद को मना लूंगा जैसे तैसे। जी जी बिल्कुल, छोटा है जैसे कैसे मनाऊंगा उसको, आप उसको मना लिया ना जी। तो अफजल भाई से आप बात करेंगे, भाई आपकी अगर अहमद भाई से नहीं बनती ठीक है तो कोई मसला नहीं है, पहले तो ये करें कि आप सुलह कर लें उससे। बिल्कुल, अगर सुलह नहीं करते तो मुझे ना बीच में ख़राब ना करें, मुझे ख़राब ना करें ना बीच में। सही बात है, वो आए आप अहमद भाई भी आ गए, सारे आ गए, रह गए मौलवी अफजल, तो क्यों ना आए, उनको बोलूंगा भी आप जो है ना मेरे पे है ना, मेरे घर पे आने आप। बिल्कुल सही, उधर फंक्शन करना है, ज़रूरी नहीं है कि आप उससे बात करें। बिल्कुल, पहले तो कोशिश करें पे हो जाए सुलह, अगर नहीं होती तो मेरी शादी पे तो आए ना, तो मतलब उसको बुला नहीं, नंबरदार की शादी पे, आपकी शादी पे नहीं, नंबरदार की शादी नहीं, वो हमारा फंक्शन हमारी शादी है। जी 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 बिल्कुल, बाकी हम नहीं हैं शादी वादी करने वाले, हमारी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, तो औलाद जवान है, पहली बात खत्म हो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला खुशियां तोड़ करे, जो हो गई अल्हम्दुलिल्लाह खुशियां हूं घर में, बरकत हो सब, तो इस तरह के मामला जो है ना हम दूर रहते हैं। चलें जी, मुखलिस भाई ने ये भी वजह बता दी है कि मसलन क्यों नहीं आ रहे अफजल भाई, सारी आपने वजह जान ली है, और इंशाल्लाह कोशिश लगे हुए हैं हम सब कि सारे मिल बैठ के हम जो है ना महफिल को इंजॉय करें, क्योंकि बीच में एक भी बंदा शॉर्ट हो ना, अब जैसा कि रात को हम गए हैं इल्ताफ भाई नहीं थे ठीक है ना, महफिल हुई है ये नहीं हुई, लेकिन वो मज़ा नहीं आया ठीक है ना, बंदा कोई भी बीच में शॉर्ट हो ना फिर मज़ेदारी ख़त्म हो जाती है, एक बंदा शॉर्ट हो ना कोई एक बंदा, जी जी फिर वो मतलब ख़राब हो जाता है। बिल्कुल, यही सोचता रहता है यार वो अभी तक नहीं आया, वो अभी तक नहीं आया, आ जाता तो वो अल्ताफ भाई की मजबूरी थी, सलमा की भी, जी जी क्योंकि उधर वो जो है ना दुल्हन वालों के घर उन्होंने कोई सामान जो है ना वो तो शॉपिंग करा के उधर ही रखना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो एक दो दिन उनके लगने, एक रात गुजर गई, एक शायद ये रात कल को शायद वो आ गया। बिल्कुल, बाकी जो आबाद भाई उनके बड़े भाई मेरे बड़ा साला साहब वो गए हुए थे उधर अपनी बेटी के वहाँ, शेख वहाँ बैठे हैं उनका। अच्छा अच्छा ठीक, ब्याई हुई तो आबाद भाई जो है ना वो रात को नहीं आ सके, कोई हो गई होगी वजह शायद, वो आज वो रात को भी आ जाए, मर्जी है ना आए, अभी मसरूफियात है उसकी जो भी है कंडीशन, सबा रात को आई थी आज भी शायद आ जाए, अम्मी अबू भी रात आए थे आज भी वो आएंगे इंशाल्लाह, तो काफ़ी जो है ना फिर गैदरिंग बन जाएगी, तो माहौल इंशाल्लाह बनाएंगे, थोड़ी चेंजमेंट भी दिखाएंगे इंशाल्लाह, तो बहुत ही मज़ा आएगा, मज़ा आएगा बिल्कुल सही है। चलें जी अब मज़ीद गपशप लगाते हैं मुखलिस भाई से, तो फिर आपसे शेयर करते हैं। एक मिनट बात सुने, वो ना ये जो वाइट सीमेंट आपने मुकम्मल कराया हुआ है, जी जी हो गया ना, जी तकरीबन हो गया माशाल्लाह, जी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, तो ये जो वाइट सीमेंट है आपके पास कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ है या? जी तकरीबन मेरे ख्याल में 8-10 बोरियाँ बची हुई हैं। अच्छा, बचा हुआ है थोड़ा सा, बचा हुआ है 8-10 बोरियाँ बची हुई हैं, नहीं नहीं थोड़ा सा बचा हुआ है, स्टॉक लगाया था बड़ा क्या? नहीं नहीं तकरीबन बचा हुआ है थोड़ा सा ना, बचा गए, बचा हुआ है, बोरियां मुझे ना दें ठीक है, आपने मेरे मान, बस थोड़ा सा यानी कि पाइया दे दो ना, वो अपने पास रख ले ठीक है, बाकी जो थोड़ा बहुत अगर पड़ा हो तो मुझे दे दो, कुछ जो है अकरम भाई के पास पड़े जाए ना हो जाए ठीक है, तो ये लगा लेते हैं, अगर काम पड़ जाएगा तो मैं और मंगवा लूँगा। सही है, पहले इसको कर लेते हैं ठीक है, जितना होगा हो जाएगा, बाकी जो बचेगा वो ले आऊँगा ठीक हो, जाए ना हो जाएगा ठीक है, ये बात ठीक है ठीक है। जी प्यारे बहन भाई, आप सबने जैसे सुना है मुखलिस भाई ने बोला है क्यों नहीं अहमद भाई के सुसर अफजल क्यों नहीं शादी पे जाते, अब आप सबको उनका जवाब मिल गया है ना, तो क्योंकि हमें लोग बहुत तंग करते हैं, मैसेज करते हैं व्हाट्सअप पे सब, तो अब बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है माशाल्लाह से, तो अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, जो कमेंट करते हैं अल्लाह जी उनको सबको खुश रखे, बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला सबको दे, बीमारों को शफायत दे, और अभी सिस्टर का फ़ोन आया था, मैं मेरे भाई के लिए दुआ करनी है, अल्लाह जी उनको नेक औलाद दे, उनकी औलाद नहीं है, सब ने आमीन ज़रूर लिखना, किसी की भी आमीन से अल्लाह पाक उनको दुआ दे, औलाद दे देंगे जी। एक और भी सिस्टर हैं, वो क्या नाम है, आगे उनका फ़ोन आया था पेशावर से, हिना सिस्टर, वो टांगों से मसलन समझे पता क्या डिसेबल हैं या क्या, वो पहचान नहीं सकती, वो कह रही थी कि दुआ मेरे लिए करें कि अल्लाह ताला मुझे सही सलामत करे, तो फिर इंशाल्लाह मैं आपके पास आऊँगी गाँव देखने, इंशाल्लाह अल्लाह पाक उनको सेहत तंदरुस्ती दे, कहते हैं ना इंसान ठीक है तो सब कुछ ठीक है, वो बेचारी की टांगे पता नहीं अब क्या मसला, हम ज़्यादा नहीं बता सकते, अल्लाह पाक उनकी जो भी बीमारी है जो भी दुख तकलीफ है दूर करे, आप सबने आमीन ज़रूर बोना, और मुझे व्यूवर्स इतनी खुशी हुई एक कमेंट पे, आज हमने कमेंट पे ही वीडियो बनाई है ज़्यादातर, क्योंकि
हमें कमेंट बहुत अच्छे आए हुए थे, ये अभी हम डब्बे मैंने कहा था अभी फेंक देंगे, तो हमें कमेंट आया आप लोग डब्बे संभाल के रखे, जब वापस जाएंगे तो आपने इसी में सामान पैक करना है, गैलरी में डब्बे रख दें, अब अपने गैलरी में डब्बे रखने। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, सब बहुत इतने मशवरे अच्छे देते हैं। और ये ना इन कपड़ों का जो रेंट आया है ना, मैं आपको बताती हूँ भाई, एक जैसा सूट ये क्यों नहीं हो सकता, ये सर्दियों की जो नेट होती है ना, ये वो है, ये नजर आया मुँह ये वो है, ये सर्दियों वाली नेट का सूट है, तो इस तरह का इसके साथ अच्छा लगेगा, पाइपिंग या इस तरह की अच्छी लगेगी, ऑरेंज कलर की या मेहंदी कलर की, भाई ग्रीन कलर की, तो ज़्यादा इसका बस मैंने डिज़ाइन नहीं बनवाना, क्योंकि ये खुद बहुत ज़्यादा फूलों वाला है, बहुत प्यारा लगेगा। तो ठीक है प्यारे बहन भाई, अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, इतने प्यारे कमेंट करते हैं आप सब, अल्लाह हमेशा खुशियाँ दें आप सबको, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मैं इसलिए ज़्यादा दुआएं देती हूँ, किसी की भी आमीन से किसी का भी अच्छा हो जाता है। हाँ मुझे एक और बात याद आ गई, एक और कमेंट याद आ गया, पता नहीं भाई हैं सिस्टर हैं जो भी हैं देखें, कि उन्होंने कहा था जी आप ज़्यादा बच्चों की दुआएं ना दिया करें, आपके पास बहुत बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत बच्चे हैं। अभी भी एक कमेंट आगे आया था कि मेरी औलाद नहीं है, मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे औलाद दे, हम औलाद के लिए उनके लिए दुआ करते हैं जिनकी नहीं है, अल्लाह ताला उनको औलाद दे, हम कोई पीर फकीर नहीं है बिल्कुल, मगर लेकिन किसी की अमीन तो है, जो हो सकता है वीडियो देख रहा हो किसी की भी अल्लाह ताला अमीन सुने, हमारे कितने बुरे हालात, बहुत बुरे हालात थे पिंडी में, बहुत ज़्यादा बर्तनों के लिए मैं तरसती थी, मैट्रेस के लिए, हर चीज़ के लिए तरसती थी, तो पता मेरे दोस्त इतनी दुआएं करते थे सारे, नबीला तुम्हारी अल्लाह हर ख्वाहिश पूरी करे, पता नहीं किस दोस्त की दुआ लग गई है बिल्कुल। तो ठीक है प्यारे बहन भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।